दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे किस तरह से पार्ट थ्री में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है रेगुलर एंड ईएक्स रेगुलर दोनों स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आएंगे इस तरह से खुलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन से कैटेगरी में कितना चार्ज कटेगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है उसका वीडियो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है और मोबाइल नंबर देना है। रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर है वो रोल नंबर आपको देना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर जब आप पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देके रोल नंबर और लॉग इन कर लेना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कमेंट करें, हम आपको मोबाइल नंबर बता देंगे कौन सा जो है इसमें आप दिए थे एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लाइव शेयर करने में बने रहे। सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर और मोबाइल नंबर देना है। चलिए ये हम भर के आपके सभी के सामने पेश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जिस भी प्रकार का नाम होगा, फिर फादर नेम होगा, यहाँ पे मदर नेम होगा, जेंडर में मेल फीमेल जो भी होंगे, यहाँ पे कैटेगरी होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, ठीक है। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, ये सभी है। आप अपने एडमिट कार्ड में यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे इस तरह से ओपन होगा। आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको मिला लेना है एडमिट कार्ड के अनुसार। अगर सभी जानकारी यहाँ पे इस तरह से सही मिल जाता है उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट टाइप इस तरह से लिखा रहेगा, आप किस टाइप का स्टूडेंट है, यानी कि रेगुलर है या ई एक्स रेगुलर है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका सेशन 2021 से 24 है तो आप रेगुलर सेशन में, इसलिए आपको यहाँ पे 21 से 24 यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका सेशन कोई और है तो आपको ई एक्स रेगुलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी कॉलेज होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रीम आर्ट है, साइंस है या कॉमर्स है, कौन से स्ट्रीम से आप जो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ऑनर्स कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रीम जैसे कि आर्ट है या साइंस या कॉमर्स कौन से है वो आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे। देखने के बाद आप यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका आर्ट होगा तो आर्ट सेलेक्ट करना है, साइंस है तो साइंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फिलहाल जिसका कर रहे हैं उसका आर्ट है, इसलिए आर्ट सेलेक्ट किए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड में आर्ट लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपको आर्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन ईयर आप अपने एडमिट कार्ड के अनुसार, यानी कि आपको अपना जो भी एडमिट कार्ड है उस पर यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे, यानी कि रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यही ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे प्रोग्राम टाइप में आप ओनर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओनर्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओनर्स यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा भी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ओनर्स लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से ओनर्स किए हैं, यहाँ पे ऑनर्स में यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस आपका जो भी एडमिट कार्ड में होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम इसका जिसका भर रहे हैं उसका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो भी फोटो होगा उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 KB से ज्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर भी 50 KB से ज्यादा का नहीं होना, यानी कि 20 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे जो भी है अच्छे तरीके से जानकारी के अनुसार, उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों इस तरह से फोटो और सिग्नेचर इस तरह से सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फाइनली जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से खुलेगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे लिखा भी होगा, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुल इस तरह से लिखा रहेगा। ऊपर में सभी जानकारी को अच्छे से जांच करते हुए आपको क्या करना है, सभी जानकारी अगर सही है उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से दो ऑप्शन आएगा। अभी जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर में जो भी इससे ऊपर में जानकारी है सबको अच्छे से जांच कर लेना। अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं एडिट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करके। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पे सबमिट एग्जाम फॉर्म इस तरह से लिखा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो मेरा जो भी जिसका हम भर रहे हैं वो 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको हम फाइनल सबमिट करते हैं। सबमिट एग्जाम फॉर्म बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखाएगा डिटेल्स योर सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुली इस तरह से लिखाएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए चार्ज कितना कटा है, ये SC कैटेगरी से इसका ₹950 कट रहा है, आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। अब पेमेंट कटाने के लिए यहाँ पे मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस तरह से आएगा, आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 950 कट रहा है। आप यहाँ पे ATM से कटा सकते हैं, अपने फोन पे से कटा सकते हैं, QR स्कैनर से भी पेमेंट कटा सकते हैं।
तो हम यहाँ पे जो पेमेंट कटाने वाले वो QR यानी कि स्कैनर से कटाएंगे, यानी कि फोन पे से स्कैन करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे QR स्कैनर पर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल 960 रुपये, यहाँ पे गवर्नमेंट फी जो है यहाँ पे 10 रुपये चार्ज कट रहा है, यानी कि ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट QR कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा, उसको फोन पे से स्कैन करना है। फोन पे पर जैसे ही जनरेट पर क्लिक करेंगे QR कोड शो होगा, उस पर फोन पे जैसे स्कैन करेंगे इस तरह से आ जाएगा आपको कितना रुपए कटेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आएगा, आपको पे पर क्लिक करके आपका जो भी पिन होगा फोन पे का वो देंगे। देने के बाद जैसे ही सक्सेस होगा इस तरह से पेमेंट इतना जो है कि यहाँ पे सक्सेसफुल इस तरह से लिखा आएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल होगा ऑटोमेटिक इस तरह से ट्रांजेक्शन रिडायरेक्ट होगा, आपको इसको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। रिडायरेक्ट होते ही इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको ये रहा दोस्तों पेमेंट स्लिप, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, पेमेंट स्लिप भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करके इसको अपने मोबाइल में सेव करना है, प्रिंट आउट भी निकाल लेना है, ठीक है। मोबाइल में भी सेव कर लेना है, प्रिंट आउट भी निकाल लेना है, ठीक है इसको। उसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि इसको आपको प्रिंट आउट करके मोबाइल में निकाल लेना है, सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये तरह पेमेंट स्लिप, अब दोस्तों एग्जाम फॉर्म किस तरह से प्रिंट करना है उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट एग्जाम फॉर्म लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक किया इस तरह से एग्जाम फॉर्म भी आपका खोल के आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट इस तरह से लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका एग्जाम फॉर्म खुल जाएगा। आपको इसको सेव कर लेना है मोबाइल में और अपने प्रिंट आउट करा लेना है, पेमेंट फीस और एग्जाम फॉर्म दोनों को प्रिंट आउट करा लेना है, और पार्ट 3 का एडमिशन स्लिप और आधार कार्ड और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आप अपने कॉलेज में जाकर सबमिट कर देंगे, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यह जानकारी कैसा लगा वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। एक जानकारी और दोस्तों, किसी प्रकार के मन में सवाल हो तो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।